इससे पता चलता है कि जो फैट, जो नेचुरल फैट है ना, जो नेचुरल चर्बी है कुदरती, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत, नहीं खाई ना चर्बी तो ये हाल है, बोला ही नहीं जा रहा, खा के बैठे होते तो मुंह से खुद बखुद निकल रहा होता। जो कुदरती चर्बी है ना जानवर में जो होती है, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद भी है और टेस्टी भी है, लेकिन मत मारी गई है। जो फैट जानवर में होता है, जो चर्बी जानवर में होती है, जो अल्लाह ने इसलिए लगाई कि उसमें गोश्त को उसमें पका के खाओ, उसको निकाल के साफ सुथरा करके बाहर फेंक देते हैं, और मार्केट से कंपनी जो दे रही है ना, जिसका ये भी नहीं पता कि पता नहीं ब्लीच से साफ किया हुआ है या किससे साफ किया हुआ है ये ऑयल, वो कंपनी के तेल में पका पका के खा रहे हैं, ना वो टेस्ट आएगा और ना सेहत अच्छी होगी। ये तो मेरे कई बयानात हो चुके हैं, अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, जल्दी से समेट के। दुम्बा सारी जिंदगी घी का डब्बा उठा के घूमता है अपने साथ, वो जो चक्की है ना उसकी, वो असल में घी का डब्बा है, इतना बोझ उठा के घूमता है कि जब मैं कटूंगा तो मैं पकूंगा इसी डब्बे में। ये कुदरत की तरफ से इंसान का इकराम है कि भाई कंपनी बाज़ दफ़ा कोई प्रोडक्ट आपको देती है तो मसाला भी साथ में दे देती है कि ये मसाला इसी में पका के खाएं आप। तो अल्लाह ने हमें दुम्बे का गोश्त दिया, और जिस चर्बी में वो गोश्त पकाना है, अल्लाह ने दुम्बे को ये ऑर्डर किया कि तू, तेरे पीछे मैं ये डब्बा लगा रहा हूँ पूरा, और कितनी टेंशन में वो सारी ज़िंदगी उस डब्बे को उठा के घूमता है। और जब हम दुम्बा ज़बह करते हैं, वो डब्बा उठा के हमने साबुन बनाने वाली कंपनी को दे दिया, या हमने वो बेच दिया कोड़ियों के दाम, वो फिर उसको कोई साबुन बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई चील कौओं को खिला रहा है। तो ये बिजनेस है दुनिया का, बिजनेस इसी तरह चलता है कि लोगों को उल्लू बनाओ और मसनूई चीज़ों की तरफ लेकर आओ जो इंसानों की बनाई हुई हैं, उससे मार्केट में उनके पास पैसा आएगा। जैसे भैंस और गाय के दूध से हटा दिया कि वो जरासीम वाला है और डब्बे पे ले आए, तो डब्बे के दूध में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जरासीम नहीं है, बाकी जो प्रोटीन आपको चाहिए ना, वो भैंस और गाय के जरासीम शुदा दूध में मिलेंगे आपको, वो डब्बे में नहीं मिलेंगे। यकीन ना आए तो एक गिलास भैंस का वो दूध जो गवाला अपनी चीज़ें मिला के देता है, लेकिन उसमें फिर भी भैंस का दूध होता है, वो पी के सो और डब्बे का पी के सो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें थोड़ा फ़र्क भी नहीं है। थोड़ा भी होता है ना, हम कहते चलो थोड़ा बहुत तो चलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भैंस का और गाय का दूध पियोगे ना, लाल सुर्ख हो जाओगे थोड़े दिनों में। डब्बे का सारी ज़िंदगी पीते रहो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके चेहरे पे सुर्खी आ जाए। मैं रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये स्टैंप के साथ, अपनी स्टैंप के साथ, अपने सिग्नेचर के साथ। ज़रा सी भी सुर्खी आई तो आप मेरे ऊपर केस कर देना कि मुफ्ती साहब ने कहा था, दावा किया था, और देखो अब ये दावे में झूठे निकले, कख भी नहीं होगा। वो सिर्फ चाय बनाने के लिए ठीक है, चाय में तो वैसे कोई कुछ भी नहीं होता, तो चलो खैर। तो ये इंसानों की मत मारी गई है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, गुनाहों का सबसे पहला बवाल किस पे पड़ता है? अकल पे। खोपड़ी सही काम नहीं करती इंसान की। तो जो चर्बी कुदरत ने पैदा की है भाई, वो चर्बी खाओ यार। बच्चों को बचपन से गोश्त को ना अलग कर करके वो बिल्कुल साफ सुथरा गोश्त खिलाते हैं बच्चों को, ओ भाई ये बिल्कुल हीक आ रही है। अब बच्चे देसी घी भी नहीं खा रहे आजकल, कि हीक आती है इसमें, क्योंकि उनको मसनूई टेस्ट का जब आपने आदि बना दिया तो अब उनको कुदरती चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो कभी हमारे मशवरे पे दुम्बे की चर्बी में गोश्त पका के अपने खर्चे पे खाओ, मज़ा ना आए, पैसे वापस, ऐसे लाल टमाटर हो जाओगे और पेट हजम भी होगी। ये चर्बी हजम हो जाती है, ऑयल हजम नहीं होता। आप तजर्बा करके दो, ये चर्बी हजम हो जाएगी आपके। हाँ ये ज़रूर है कि जब ऐसी चीज़ें खाओगे तो फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि खा खा के कंप्यूटर पे बस बैठे तो दुम्बा बन जाओगे थोड़े दिनों में, और वो तो पहले से ही बने हुए हो तो फिर फट फटा जाओगे, क्योंकि जितनी आपके अंदर गुंजाइश थी, स्पेस थी, वो फुल हो चुकी है, ठीक है ना, मज़ीद उसमें जगह नहीं है। तो वो यूटिलाइज़ भी करे इंसान, तो देखो कैसी ख़ानदानी सेहत होती है।